सन 1847 में केरला के केसरगोडा इलाके में एक राजा अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहा करता था। उसके पास बहुत विशाल किंगडम था, लेकिन फिर भी उसे मानसिक शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन शांति की तलाश में वह एक यात्रा पर निकलता है। घूमते घूमते वह एक जंगल में पहुंचता है। वहां वह एक पत्थर को छूता है। उसे छूते ही राजा को अपार शांति का एहसास होता है। वह उस पत्थर को लेने लगता है, लेकिन तभी वहां उस पत्थर का मालिक पंजुरली डायवा प्रकट होता है। वह एक देवता था और उस फॉरेस्ट की रक्षा करता था। पंजुरली देवा उस राजा से कहता है कि अगर उसे यह पत्थर चाहिए तो यह सारी जमीन वहां के लोगों को दान में दे दे। राजा इसके लिए मान जाता है और पंजुरली देवा उसे वह पत्थर दे देता है, लेकिन साथ में वार्निंग भी देता है कि अगर उसने या उसके किसी सक्सेसर ने उस जमीन को वापस लिया तो गुलिगा देवा नाम का क्रोधी देवता उस पर कहर बरपा देगा। इसके बाद राजा उस पत्थर को लेकर वापस अपने राज्य चला जाता है। वह उस पत्थर को आंगन में गाड़ा देता है और फिर मृत्यु तक सुखपूर्वक रहता है। 1970 में राजा का एक वंशज राज करने लगता है। वह बेहद लालची था। उसे अपने पूर्वज की कहानी पता चलती है, जिसने एक पत्थर के बदले बहुत सी जमीन लोगों को दे दी थी। वह जमीन वापस लेना चाहता था, इसलिए वह एक दिन भूटा काला देवता के लिए किया जाने वाला केरला का आदिवासी डांस का आयोजन करवाता है। उसमें डांसर को पंजुरली देवा पोजेस कर लेता है। राजा उससे कहता है कि वह अपनी जमीन वापस लेना चाहता है। इस पर डांसर कहता है कि ऐसा करेगा तो खून की उल्टियां करके मर जाएगा, पर राजा कहता है कि तुम नाटक कर रहे हो, तुम्हें पंजुरली देवा ने पोसेस नहीं किया है। इस पर डांसर कहता है कि अगर पोजेस किया होगा तो आज के बाद वह कभी किसी को नजर नहीं आएगा। फिर डांसर जंगल चला जाता है और इसके बाद कभी किसी को नजर नहीं आया, लेकिन राजा के सिर पर जमीन का लालच सवार था। वह लोगों को बुलाता है और जमीन वापस लेने की बात करता है, लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ बोलता उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं और वह कुछ ही देर में मर जाता है। इसके बाद कहानी 1990 से शुरू हो जाती है। मुरली नाम के फॉरेस्ट ऑफिसर को काम दिया जाता है कि वह राजा की खाली जमीन पर फॉरेस्ट रिजर्व बनाए, लेकिन वहां पहुंचते ही शिवा नाम का युवक मुरली का विरोध करता है, क्योंकि उसे पता था कि जमीन से छेड़छाड़ करने वाले का अंजाम बुरा होता है। शिवा दरअसल उस डांसर का ही वंशज था जो शुरू में जंगल में गायब हो गया था। वह कंबाला एथलीट था। कंबाला का मतलब भैंसों की रेस होता है, जो केरल में काफी लोकप्रिय है। शिवा को उस गांव के लैंडलॉर्ड देवेंद्रा का समर्थन प्राप्त था। देवेंद्रा भी शुरू वाले राजा का वंशज था। देवेंद्रा कई बार शिवा को अपने परदादा की तरह भूटा कोला करने को बोल चुका था, लेकिन शिवा को सारी कहानी पता थी, इसलिए वह मना कर देता था। मगर उसकी जगह अब उसका चचेरा भाई गुरुवा वह डांस करता था। इसी बीच शिवा गांव की लडेडे की लीला से प्यार करने लगता है। एक दिन वह देवेंद्रा से बोलकर लीला को भी फॉरेस्ट गार्ड की जॉब दिलवा देता है। एक दिन मुरली फॉरेस्ट रिजर्व के लिए चिन्हित की गई जमीन की फेंसिंग शुरू करवा देता है, लेकिन गांव के लोग इसका विरोध करते हैं। इस पर पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड उन पर लाठी चार्ज कर देते हैं, जिनमें लीला भी शामिल थी। जब शिवा को पता चलता है तो वह लीला से नाराज हो जाता है, लेकिन वह कहती है कि उन्हें ऑर्डर मिला था, अगर वह ऐसा नहीं करती तो उसकी जॉब चली जाती। वक्त के साथ मुरली और शिवा का झगड़ा बढ़ता जाता है। एक दिन शिवा एक जगह की बोर्ड उखाड़ा देता है। इससे मुरली कुछ पुलिस वालों को लेकर उसे अरेस्ट करने निकल पड़ देता है। शिवा और उसके साथी एक जगह पेड़ा काट रहे थे। गलती से वह पेड़ मुरली की जीप पर गिर जाता है। शिवा और उसके साथियों को लगता है कि मुरली और साथी मारे गए हैं। वे डर जाते हैं और कुछ दिन के लिए कहीं छुप जाते हैं। कुछ दिन बाद वे अपनी फैमिली से मिलने आते हैं। शिवा लीला को सब कुछ बता देता है और कहता है कि वह सरेंडर कर देगा, लेकिन तभी मुरली पुलिस के साथ आता है और शिवा को बॉट तोड़ने के जुर्म में अरेस्ट करके ले जाता है। शिवा उसे जिंदा देखकर खुश हो जाता है। उधर गुरुवा देवेंद्रा के पास जाता है और कहता है कि शिवा को जमानत पर छुट्टा लाए, लेकिन देवेंद्रा उसे पैसों का लालच देकर कहता है कि सारे गांव के सामने बोले कि उसे पंजुरली देवा ने पोजेस कर लिया है और गांव वाले राजा की जमीन देवेंद्रा को वापस कर दे। लेकिन गुरुवा इससे मना कर देता है। देवेंद्रा गुस्से में उसे मौत की घाट उतार देता है। देवेंद्रा को पता चल गया था कि मुरली उसके जमीन हड्डी चपने के इरादे को भांप गया है, इसीलिए वह शिवा को जमानत पर छुट्टा लाता है और बताता है कि मुरली ने गुरुवा की हत्या की है। शिवा यह सुनकर क्रोधित हो जाता है और मुरली को मारने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में उसका दोस्त महादेव मिलता है, जो बताता है कि गुरुवा की हत्या देवेंद्र ने की है और उसने खुद उसे ऐसा करते देखा है। तभी देवेंद्र के गुंडे शिवा पर हमला करते हैं, लेकिन शिवा उन सबको पीट देता है। फिर वह गांव आता है। वहां शिवा देखता है कि मुरली सबको बता रहा था कि देवेंद्र उनकी जमीन हड़िया अपना चाहता है, इसलिए उसे फॉरेस्ट रिजर्व बनाया जा रहा था। शिवा उन सबको बताता है कि देवेंद्र ने गुरुवा की हत्या की है।
इससे शिवा और मुरली अपने गिले शिकवे भूलकर दोस्त बन जाते हैं। तभी देवेंद्रा और उसके गुंडे उन सब पर हमला कर देते हैं। इसमें बहुत से गांव वाले मारे जाते हैं। शिवा और मुरली भी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। देवेंद्रा शिवा की हत्या करने ही वाला था कि तभी शिवा का सिर पंजुरली पत्थर से टकरा जाता है। ऐसे होते ही गुलिका देवा उसे पोजेस कर लेता है। इससे शिवा बेहद खतरनाक होकर उठता है और फिर देवेंद्रा और उसके गुंडों को मार देता है। फिल्म कांतारा स्टोरी। कुछ महीने बाद शिवा भी भूटा कोला डांस करता है, जिसमें पंजुरली देवता उसे पोजेस कर लेता है। फिर वह सबको आशीर्वाद देता है और जंगल चला जाता है और फिर कभी किसी को नजर नहीं आता। अंत में शिवा और लीला का बेटा एक बूढ़े से अपने पिता के गायब होने की कहानी पूछता है। बूढ़ा व्यक्ति उसे पूरी कहानी शुरू से सुनाने लगता है।